हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन टीम। हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। पहला टॉपिक हमारा पाषाण काल था। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानेंगे। यहाँ पर संस्कृति इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी सभ्यता को जानने का सबसे अधिक सही रास्ता उसकी संस्कृति को जानना होता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। लेकिन जैसा इसे इसकी समकालीन माना जाता है मिस्र और मेसोपोटामिया, किंतु यह जो सभ्यता है हमारी, इनसे कहीं ज़्यादा विकसित सभ्यता दिखाई देती है। आगे चलकर हम सिंधु घाटी सभ्यता को, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले अध्याय में मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। अब आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता ऐसी सभ्यता को कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐसे अवशेष, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लिपि मिली है, किंतु उसे पढ़ा नहीं गया है। इसलिए ऐसी सभ्यता को क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये एक गैर आर्य सभ्यता है। गैर आर्य सभ्यता क्यों है? क्योंकि यह टोटली नगरीय सभ्यता है और आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ये आज के ज़माने में जैसा समाज में विकसित डेवलप कंट्री है, ये उस तरह की सभ्यता थी। ऐसी नगर नियोजन प्रणाली, नाली निकास इत्यादि इस सभ्यता में पाया जाया है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के मूल सूत्र क्या हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता को किस तरह से जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसके अवशेषों में बर्तन मिलते हैं, चीवर मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, औजार मिलते हैं। इन्हीं आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बर्तन कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि एक लाल रंग से पेंट किए गए हैं। किसे? लाल रंग से इनको पेंट किया गया है और इन पे काले रंग की आकृतियों से चित्रित किया गया है। बर्तन बहुत ही सुंदर है, लाल रंग से पेंट है, मिट्टी के हैं और काले रंग से उस पर सुंदर सुंदर चित्राकृति बनाई गई है। क्योंकि ये विकसित सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन पैर से चालित चाक के माध्यम से बनाए जाते थे। किससे? पैर से चालित चाक के माध्यम से। और आगे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ये क्योंकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो इनके अंतर को देख लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता टोटली नगरी सभ्यता थी और आर्य सभ्यता जो थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एक भावचित्रात्मक हमें लिपि मिली है किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। जबकि ये आपको पता होगा, आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में वेदों का अध्ययन किया था, वेदों को लिखा था, संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान था, इन्हें लोहे और रक्षा शस्त्रों का भी ज्ञान था और इनके औजार तो पत्थर के से थोड़ा तांबे काश्य के थे। ये काश्यकालीन सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। और जेवर कैसे मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चांदी का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? चांदी का ज्ञान था। और ये चांदी ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर की खान से प्राप्त करते थे। साथ ही यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हैं, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ मूर्ति पूजा का प्रचलन था। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक देवता की मुहर की आकृति भी मिली है। इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा का प्रचलन बहुत ही अच्छी तरीके से था। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक शिव की मूर्ति मिली है, उसके योगी के दाई ओर चीता है। कौन है? दाई ओर चीता है और हाथी बाई ओर गैंडा और भैंसे का चित्र देखने को मिलता है। इस आधार पर हम जानते हैं कि यहाँ पर शिव की प्रतिमा की पूजा की जाती थी। साथ ही इसके अतिरिक्त बहुत सारे लिंग की पूजा मिली, प्रमाण मिले हैं। लिंग मतलब शिव की पूजा के प्रमाण मिले हैं, शिवलिंग टाइप की अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं।
अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था इसका अध्ययन करेंगे, तो यह उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी कौन सी है, हिंडन नदी तक विस्तृत सभ्यता मानी जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आ गई, झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी, ये तो इसके अंतर्गत आ गई। एक नदी इसके अंतर्गत नहीं शामिल है, वो कौन सी नदी है, गंगा नदी, गंगा नदी नहीं शामिल है। और आपको एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, एक इसी सभ्यता से रिलेटेड, जैसे कि इस सभ्यता में चीज़ें मिली, अवशेष मिले, वैसी एक सभ्यता पाई गई रंगपुर में। कहाँ पे रंग, ये सिर्फ रंग लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, रंगपुर है टोटल, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मिली। तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में ये मिली, तो ये सभ्यता एकदम ही हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता है, और यहाँ पर चावल, बाजरा, ज्वार की खेती के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल का अध्ययन कर ले, तो आपको पता ही होगा नाम से ही है कि हड़प्पा एक प्रमुख स्थल है। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो हम हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इस पर सर्वेक्षण किया था। हड़प्पा के अवशेष वर्तमान में पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता काश्युगीन सभ्यता थी, कांस्य के बर्तन यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। साथ ही हड़प्पा सभ्यता के और भी जिले हैं, हस्तिनापुर जो गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा जो कि कृष्णा नदी के किनारे है, पैठन गोदावरी नदी किनारे स्थित है। अब हम मोहनजोदड़ो, एक बहुत ही विकसित सभ्यता मिली थी इस जिले में। अलग अलग हर घर में कुएं मिले हैं और स्नानागार मिले हैं, बाथटब मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। और इसे मोहनजोदड़ो का एक शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का, इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का, मृतकों का टीला। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रखाल दास बनर्जी ने इसका सबसे पहले खुदाई यहाँ पर स्टार्ट करी थी, इस पर ध्यान दिया था रखाल दास बनर्जी जी ने। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो है लरकाना जिले में स्थित है, और यहाँ हर जिले मैंने बता चुकी हूँ कुआं मिला है, स्नानागार मिला है। सैंधो सभ्यता का एक जो महान स्नानागार काफ़ी परिचित है, जो मैं बताया अभी आपको, ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है महान स्नानागार। ये उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर लंबा है और चौड़ाई से 33 मीटर ऊंचा है। तो बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला है, एक विशिष्ट सभ्यता का ये सबूत है। तो लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, एसआर राव के द्वारा की गई। यहाँ पर ये गुजरात में स्थित है। हाथी धात का एक पैमाना मिला है, एक गोदी बाड़ा के भी साक्ष यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही एक जिला है कालीबांगा जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर हमें क्या मिला, जुटा हुआ खेत मिला है। मृत पटिका पर एक सींग युक्त देवता की मूर्ति भी यहाँ से हमें मिली है। कहाँ से, कालीबांगा से, धौलावीरा गुजरात में है। यहाँ से भी हमें काफ़ी प्रमाण मिले। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिला लेख मिला है धौलावीरा से, और साथ ही हमें एक मांडा है जगह जम्मू कश्मीर में है, दामदामाद महाराष्ट्र में है, राखी घरी हरियाणा जो कि कहाँ स्थित है, घग्गर हरियाणा में स्थित है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। रोपड़ पंजाब में है, यहाँ से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी का बंदरगाह, एक बंदरगाह शब्द आता है लोथल, वो भी यही पाया जाता था। इस प्रकार ये सभ्यता आपने पढ़ लिया है कि बहुत ही विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। और एक इनका एक पतन के बारे में भी जान लीजिए। ये जो सभ्यता थी, लोग बहुत लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी महामारी हुई इसमें और यहाँ के लोग मतलब समाप्त तो हो गए, या कहते हैं कि बहुत बड़ी बाढ़ आई, तो किसी दैवी आपदा के कारण ही इस सभ्यता का अंत माना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए।